और इसमें ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग सर्कुलर प्रोफाइल कटिंग करनी है। तो देखिए इसमें कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ए पॉइंट पे यक्स होगा 50 और वाई होगा 50, बी पॉइंट पे होगा यक्स, 10 की रेडियस है तो यक्स हो जाएगा 60 और वाई हो जाएगा 40, सी पॉइंट पे यक्स होगा 150 हो जाएगा और वाई 40, डी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकालेंगे यक्स 150 और वाई 90, ई पॉइंट पे यक्स होगा 150 और वाई हो जाएगा 104, 7 mm की रेडियस है, 7 का डबल ऐड हो जाएगा। इसके बाद एफ पॉइंट पे एक्स होगा 150 और वाई होगा 154, 50 और ऐड हो जाएगा। फिर जी पॉइंट पे एक्स 55 और वाई 154, एच पॉइंट पे यक्स होगा 50, वाई होगा 149, 5 की रेडियस है। अब देखिए ये हेडर और प्रोग्राम और फुटर, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग सर्कुलर प्रोफाइल कटिंग का प्रोग्राम बना है। अब इसे मशीन पे रन करके देखते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं। एक्स 50 वाई 50 जेड 2 में ऊपर पहले पोजीशनिंग हुई, जी 0 में, फिर जी 0 1 जेड माइनस ए के में, फिर देखिए जी 0 3 में सर्कुलर प्रोफाइल कटिंग होगी, एक्स 60 वाई 40 और 10 की रेडियस लगी। जी 0 1 में लीनियर टूल चल रहा है, एक्स 150 वाई 40, फिर जी 0 1 में लीनियर में टूल ऊपर जाएगा, एक्स 150 वाई 90, फिर जी 0 2 में रेडियस कटी है 7 की, एक्स 150 वाई 114 रेडियस 7 की, फिर जी 0 1 में स्टेट 150 वाई 154, फिर जी 0 1 में लीनियर प्रोफाइल एक्स 55 वाई 154, फिर 5 mm की रेडियस लगी है जी 0 3 में, एक्स 50 वाई 149 रेडियस 5 की हो गई। इसके बाद रिटर्न हम ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट देंगे, जी 0 1 में टूल, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये पीस रेडी हो गया। इसके बाद देखो फुटर टूल 2 में हम ऊपर उठाए, फिर G28 टूल होम पोजीशन, जॉब होम पोजीशन, M05 स्पिंडल स्टॉप कूलेंट ऑफ प्रोग्राम इंडेंट रीसेट, इसे ऑटो मोड में चलाएंगे। नया पीस सेलेक्ट करते हैं, रिप्लेस वर्क पीस, सिंगल ब्लॉक हटा के ऑटो में रन करते हैं।